बीएसएफ नूं 50 किलोमीटर ते मुख्तियारी देण दे कारण किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीता जा रिहा है विरोध। सिख बुद्धिजीवी अते सियासी माहिर इस नूं इक भयानक खतरे दे वजों वेख रहे ने। केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब दीआं सरहदां तों 50 किलोमीटर तक दा इलाका बीएसएफ दे हवाले करन दे मामले नूं लैके किसान जथेबंदियां सरगर्म हो गईआं ने, पर पंजाब दे कुछ लोकां दे वल्लों केंद्र दी सरकार दे फैसले दी शलांघा भी कीती जा रही है। अते उत्ते ही दूसरे पासे सिख बुद्धिजीवी सियासी माहिर अते समीक्षक इस नूं सिखां ते मंडरा रहे इक भयानक खतरे दे वजों भी वेख रहे ने। इस संबंधी ब्लाक ममदोड़ विखे भारतीय किसान यूनियन डकौदां अते भारतीय किसान यूनियन कादियां दे आगूआं दी अगवाई दे विच दाणा मंडी ममदोड़ तों लैके शहर दीआं वख-वख गलियां बाजारां दे विच रोस मार्च किया गया। इस मौके किसान जथेबंदियां दे आगूआं ने कहा है कि पंजाब सरकार दे वल्लों केंद्र सरकार नूं अद्धे पंजाब दा कब्जा देण दे नाल पंजाब नाल संबंधित किसान जथेबंदियां दे चल रहे संयुक्त किसान मोर्चे नूं ढा लाउण दी कोशिश कीती जा रही है। किसानी संघर्ष ने केंद्र सरकार लई वड्डी चुनौती पैदा कीती होई है, जिस नूं लैके केंद्र सरकार पंजाब ते अपना कब्जा जमाउण अते केंद्र वल्लों पंजाब च सिद्धे दखल दे मनसूबे घड़ रही है, जिस दे रोस वजों अज इस रोस मार्च नूं अंजाम दित्ता गया है। इस मौके ते किसान आगूआं ने की कहा, आओ सुनते हैं। अज जिहड़ा रोस प्रदर्शन असीं कर रहे हां, इह ममदोड़ ब्लाक दे विच असीं कर रहे हां, ममदोड़ दाणा मंडी तों ममदोड़ बाजार तक इहदा रोस दा साडा जिहड़ा बीएसएफ दे अंडर 15 किलोमीटर तों 50 किलोमीटर दा एरिया करता है, इहदे ते असीं सरकार दी निंदिया करदे हां कि इहनां ने जिहड़ा बीएसएफ दे सेंटर दे अंडर करके पंजाब सरकार ने ते इह बहुत गलत कम कीता, इहनूं जिहड़ा फौरन इकट्ठे हो के जथेबंदियां सारियां और पॉलिटिकल पार्टियां इहदे ते कोई कार्रवाई करन, नहीं तां असीं इहदे वास्ते संघर्ष तिखा करांगे। ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਮਦੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਮਮਦੋੜ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।